बेसिक इंग्लिश ग्रामर वीडियो सीरीज वीडियो 10 इंटरजेक्शन। वेलकम फ्रेंड्स, टीवी 10 चैनल पर मैं भार्गव जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम सरल हिंदी भाषा के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कंजंक्शन के बारे में जाना था, अब देखते हैं इंटरजेक्शन। दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपलोड हो रहे वीडियोस को देख सके। इसके अलावा आप मेरी चैनल पर जाकर भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इंटरजेक्शन की व्याख्या। इंटरजेक्शन यानी विस्मयकारक शब्द या विस्मय बोधक शब्द। जिस शब्द के प्रयोग से उत्तेजना, दुख, शोक, खुशी, विजय जैसी अनुभूति हो, ऐसे शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। इंग्लिश के सीखने के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है स्पोकन और एक होता है रिटन। इस तरह बोलने में भी ये दो होता है। स्पोकन फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो वाक्य के भाव और उसकी शैली को प्रकट किया जाता है, और रिटन लैंग्वेज में इंटरजेक्शन का उपयोग होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग होता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ओ माय गॉड, यानी कि हे भगवान। हुरे हुरे, वी वॉन द मैच। हुरे, हम मैच जीते। तो बोलने में एक अलग प्रकार का भाव आता है, जैसे कि खुशी व्यक्त होती है, और कोई आश्चर्यजनक वाक्य होता है तो उसके लिए भी अलग टोन का इस्तेमाल होता है, पर सभी के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग होता है। ओ गॉड, उसके लिए वाक्य है। ओ गॉड, व्हाट इज दिस हैपनिंग। हे भगवान, यह क्या हो रहा है। कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स ऑन योर मैरिज एनिवर्सरी, आपकी शादी की सालगिरह पर बधाई। इसी प्रकार के कई शब्द होते हैं जिसको वाक्य में जोड़कर इंटरजेक्शन वाक्य बनाया जाता है। ऑल राइट, डियर, आहा, हाहा, ऐसे वाक्य में अचानक कोई भाव प्रकट होता है, इसलिए इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे टीवी 10 चैनल पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वीडियो सीरीज। अगले वीडियो में होगी फिर मुलाकात आर्टिकल्स के साथ। कीप लर्निंग। बाय बाय।